तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जी किशन रेड्डी जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान संजय कुमार बंदी जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, नमस्कार। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराकर हमने नवरात्र से पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। आज तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इससे यहां उत्सव का रंग और खिल उठा है। मैं तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ रुपए की 13,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युल्लारा, मुझे खुशी है कि आज मैंने कई ऐसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है जिससे यहां के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब्स इसकी पहचान की गई है। इसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 मेगा फूड पार्क, 4 फिशिंग सी फूड क्लस्टर, 3 फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर और 1 टेक्सटाइल क्लस्टर भी होगा। इसके कारण हनमकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जिलों के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलने वाले हैं। इन जिलों के किसानों की फसलों में भी फूड प्रोसेसिंग के कारण वैल्यू एडिशन हो पाएगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना जैसे लैंड लॉकड स्टेट के लिए ऐसी रोड और रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है, जो यहां बने सामानों को समुद्री तट तक पहुंचाएं और इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। दुनिया का बाजार मेरे तेलंगाना के लोग कब्जा करें। इसी कारण देश के कई प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर
तेलंगाना से होकर के गुजर रहे हैं, ये सभी राज्यों को ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का माध्यम बनेंगे। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का सूर्यपेट खम्मम सेक्शन भी इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसके कारण ईस्ट कोस्ट तक पहुंचने में मदद मिलेगी, साथ ही इंडस्ट्रीज और बिजनेस के लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत कमी आएगी। जैक्लेयर और कृष्णा सेक्शन के बीच बन रही रेलवे लाइन भी यहां के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, भारत टर्मरिक का, हल्दी का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तेलंगाना में यहां के किसान भी बड़ी मात्रा में हल्दी की पैदावार करते हैं। कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है। आज ये आवश्यक है कि हल्दी की पूरी वैल्यू चेन में उत्पादन से लेकर निर्यात और रिसर्च तक और अधिक प्रोफेशनल वे में ध्यान देने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इससे जुड़े एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए, हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड के उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज पूरी दुनिया में एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी इस पर बहुत चर्चा हो रही है। भारत ने ना सिर्फ अपने उद्योगों बल्कि घरेलू लोगों के लिए भी एनर्जी इंश्योर की है। देश में एलपीजी कनेक्शन की जो संख्या 2014 में 14 करोड़ के आसपास थी, वो 2023 में 32 करोड़ से ज्यादा हो गई है। हाल ही में हमने गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी कमी की है। भारत सरकार एलपीजी एक्सेस को बढ़ाने के साथ अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी विस्तार करना जरूरी समझती है। हासम चिरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन अब इस क्षेत्र के लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी देने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। यहां पर कृष्णापट्टनम से हैदराबाद के बीच
मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी शिलान्यास हुआ है। इसके कारण तेलंगाना के विभिन्न जिलों में हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी बनेंगे। ना कुटुंब सभ्युल्लारा, मैंने आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय को भाजपा सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है और विशेष फंड उपलब्ध कराया है। आज मैं आपके बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को उनके प्रेम और स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो मैं सरकारी कार्यक्रम में हूं, तो मैंने अपने आप को वहीं पर सीमित रखा है। अब 10 मिनट के बाद मैं जरा खुले मैदान में जाऊंगा। तो वहां जरा खुले मन से बातें करूंगा। अरे मैं वादा करता हूं, मैं जो भी कहूंगा वो तेलंगाना के दिल की बातें करूंगा, यहां के लोगों के दिल की बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। పాలమూరులో ప్రధాని మోదీ పర్యటన కొనసాగింది. పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు ప్రధాని. ముఖ్యంగా గత ఎన్నికల్లో పసుపు బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తామంటూ బీజేపీ తెలిపింది. ఇక ఈ మాట ప్రకారమే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా ప్రధాని మోదీ పాలమూరు వేదికగా ప్రకటించారు. పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని గతంలో హామీ ఇచ్చింది బీజేపీ. మరోవైపు ములుగు జిల్లాలో గిరిజన వర్సిటీకి సంబంధించి కూడా మోదీ ఒక ప్రకటన చేశారు. సమ్మక్క సారక్క సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీగా కూడా మోదీ పేరు పెట్టారు. కార్నే హల్దీ కిసానో కే లియే హిత్ కే లియే ఆర్ ఉన్కీ ఆవశ్యక్తా కో దేఖ్తే హుయే ఆర్ ఉన్కే లియే భావి జో సంభావనా హై ఉసే దేఖ్తే హుయే నేషనల్ టర్మరిక్ బోర్డ్ కే गठन का निर्णय किया है। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। भारत सरकार मुलुगु जिले में
एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा।